जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट ज्ञान में। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और नहीं मालूम चलता है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जस्ट वीडियो के नीचे एक लाल बटन पर क्लिक करना होगा जहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको बेल के आइकन पर क्लिक करना है, इससे यह होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये दोनों काम बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से दो काम कर लें ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियो उन सब अपडेट रहे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो है, तो आइए देखते हैं कि किस चीज का रिजल्ट निकला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पीए और एसपीए रिजल्ट निकला है 2020 में, ठीक है। और ये 10 फरवरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 फरवरी 2020 को करीब 9 बजे रात को निकला था, ठीक है, 10 फरवरी को। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो ठीक है। तो इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर आप लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट की ओर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म की स्टार्टिंग जो थी 16 सितंबर 2019 था, और जिसका कि जो रिजल्ट आया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीए और एसपीए 10 फरवरी 2020 को आया है, ठीक है। जिसका कि टोटल पोस्ट अगर हम आप लोग को बता दें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि टोटल पोस्ट 771 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एसपीए और पर्सनल असिस्टेंट पीए, ठीक है। तो इन दोनों का जो कि रिजल्ट है वो निकला है, तो देख लीजिए कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो इस पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू, ठीक है, डाउनलोड, और यहाँ पर आपको देख लीजिए पीए और एसपीए, तो दोनों का डाउनलोड हुआ है और दोनों मैंने डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं दोनों को बारी बारी से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पीए का दिखाऊंगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देख लीजिए पर्सनल असिस्टेंट पीए, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे चेक करना है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मिलेगा देखने के लिए, तो देख लीजिए सीरियल नंबर में फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, देख लीजिए फर्स्ट, ये है एप्लीकेशन, ठीक है, रोल नंबर, कैंडिडेट ऑफ नेम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जन्मतिथि देखने को मिलेगा, फिर आपको फादर नेम जो भी है आपका। उसके बाद आपको और आगे जाना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कैटेगरी, ठीक है, मॉक आउट ऑफ 90 मार्क्स में से आपको 72.5 मार्क्स यहाँ पर आया है फर्स्ट वनडे का, ठीक है, जिसका कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ 75, तो यहाँ पर आपको 63.5 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से आपको सभी अपना चेक करना होगा, ठीक है। और ये करीब आपको यहाँ बता दूँ कि 187 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो आपको केयरफुली आपको देखना होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। तो आइए सेकेंड देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का, सॉरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है कि ये सेकेंड वाला है, ठीक है, ये है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसपीए, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करना है मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये मात्र 45 पेज का है, ठीक है। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पर आपको सीनियर नंबर देखने को मिलेगा, फिर एप्लीकेशन एसक्यू नंबर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर रोल नंबर, फिर कैंडिडेट नेम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्मतिथि देखने को मिलेगा, फिर फादर नेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर सब कैटेगरी में अगर है कुछ तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद मॉक नंबर 90 में से आपको 70 पॉइंट यहाँ पर 75 आया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउट ऑफ 75 से 62.5 आया है। तो इस तरह से आप भी अपना चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चेक करने में दिक्कत होती तो आप हमें कॉमेंट करें, मैं ज़रूर आपका देख के बता सकता हूँ। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, या फिर हमें कोई सुधार चाहते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आओ बेटर आपको बता सकूं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।